ना से मैं कहूँ अमर पिया तू ही मेरे जीने की वजह आंखों की खता इस दिल की दुआ है रब की अता तू इश्क मेरा हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हमारा बेटा होने वाला है इतनी शदीद ख्वाहिश थी तो मुझे बता दिया होता मैं करवा देती आपकी दूसरी शादी तुम दो मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि मोमना और अबीर की जिंदगी में भाई की कमी पूरी होने जा रही है ये भाई उनका सहारा नहीं बनेगा बल्कि उन पर बोझ बन जाएगा आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो मैंने तो ये देखा इस उम्र में किसी के बच्चे होते हो इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं बस अब तुम दुआ करो कि इस बच्चे का मुकद्दर हमारे मुकद्दर से न टकरा जाए बेटी की शादी की उम्र में बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश नॉर्मल लोग नहीं किया करते मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है लेकिन तुम्हारा ये बच्चा मुझे जायज नहीं है दर्द में इंतहा पल पल में लम्हों में है कैसे भुलाऊं मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटियों को जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती जैसे ये कोई गुनाह हो ये वो भाई है जिसकी वजह से हमारी माँ हमारे साथ नहीं हम दोनों के दरमियान कितने भी इख्तलाफात हो कितनी भी नाराजगियाँ हो जाए लेकिन जगह मोमिना की मेरे दिल में वो कोई नहीं ले सकता मेरा तो ख्याल था कि इतना कुछ होने के बाद तुम इस शादी से इनकार ही कर दोगे ये रिश्ता मेरे लिए किसी कांच के गिलास की तरह नहीं है कि जरा सी ठेस लगी और टूट गई इस बच्चे को माँ की जरूरत है मेरी माँ ने आप शादी कर ले सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हमारे अबरार अंकल ने दूसरी शादी कर ली है मेरे ख्याल में अच्छा नहीं हुआ एक्सक्यूज मी उनको इतना इग्नोर मत करो कि वो तुमसे दूर चले जाएं सारी जिंदगी की यकीन ही कि उस कश्ती में सवार नहीं होना चाहती जहाँ से ना वापसी का कोई रास्ता हो और ना ही आगे जाने का कोई सिग्नल वो बहुत चलाक लड़की है मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब अरहम उससे बदगुमान हो जाए अच्छा है बात करें बेटियों से हंसी खुशी राजी खुशी मुझे यहाँ से ले जाए बात करो ना मेरे रिश्ते की मैं बात भी करूँगी और रिश्ता पक्का भी करूँगी अगर वो औरत घर में आई ना तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी मामा मैं फिजा से शादी करने के लिए तैयार हम एक टूर पे मिले हैं और इतना बड़ा फैसला तुम्हें इस पूरे शहर में एक वही लड़की पसंद आई जो अंतुल की रिश्तेदार है अरहम और फिजा की एंगेजमेंट ना हो फरियाद करनी है अफान से मारे गए अबरार अंकल तुमने हमने से किसी को बताया क्यों नहीं आप ही ने फोन किया था आपको लेकिन उस दिन आपकी मंगनी थी मैं बहुत कम किसी पे मेहरबान होती हूँ इस बार मुझे कोई हेर पेर नहीं चाहिए क्या आपको ये निकाह कबूल है